हे दोस्तों, आज हम बनाएंगे मसाला उपमा सिर्फ 15 मिनट में। मैंने यहाँ 1.5 कप्स रोस्टेड सूजी यूज़ किया है टाइम सेव करने के लिए। अगर आपके पास रोस्टेड नहीं है तो आप सब्जियाँ काटते वक्त साइड पे लो फ्लेम में सूजी को रोस्ट कीजिए तो आपका भी टाइम सेव होता है। पहले एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। मैंने यहाँ नारियल तेल यानी कि एडिबल कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। फिर 1 टीस्पून राई डालेंगे। फ्लेम लो ही रखिए, स्पेशली इफ़ यू आर यूजिंग स्टील कढ़ाई। 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून चना दाल, 1 टेबलस्पून उड़द दाल, 3 हरी मिर्च और काजू डालेंगे। आप चाहे तो मूंगफली भी डाल सकते हैं। सब कुछ मिक्स करेंगे। मैंने कम हरी मिर्च यूज़ किया है क्योंकि बाद में लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे। अच्छी तरह से लो फ्लेम में ही मिक्स करेंगे। अब दाल का कलर चेंज हो चुका है। एक बड़ी बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और ये थोड़ा ट्रांसलूसेंट या पिंकिश कलर आने तक सॉटे करेंगे। फिर कुछ कड़ी पत्ते डाल के एक बार अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स करेंगे। ये उपमा बहुत ही टेस्टी है, आप भी ज़रूर बनाइए। अब फाइनली चॉप टमाटर डालेंगे। मैंने यहाँ 3 टमाटर यूज़ किया है। एक प्लेट या लिड को कवर करके टमाटर सॉफ्ट होने तक हम हाई फ्लेम में पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए। अब इसी समय पानी को गर्म करने के लिए रखेंगे। अब थोड़ा टमाटर को स्मैश करके देखेंगे, सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं पसंद करते हो तो सिर्फ अदरक पेस्ट यानी कि जिंजर पेस्ट डाल सकते हैं। फिर हम इसमें ड्राई स्पाइस पाउडर्स डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक डाल के सब कुछ मिक्स करेंगे। अब 5 कप गरम पानी डालेंगे और हाई फ्लेम पे 3-4 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वेबसाइट का लिंक है तो आप वहां से इस रेसिपी का सारा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अब 1/2 लेमन स्क्वीज करके लेमन जूस ऐड करेंगे। फ्लेम बिल्कुल कम करके रोस्टेड सूजी डाल के कंटिन्यूअसली मिक्स करेंगे और कवर करके 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम में ही। फिर कुछ बारीक कटी हुई धनिए के पत्ते डाल के 1 टेबलस्पून घी डाल के सब कुछ मिक्स करेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो ही रखकर हम मिक्स करेंगे ताकि नीचे जले नहीं। सब कुछ मिक्स करने के बाद गैस बंद करेंगे तो हमारा मसाला उपमा तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।